शौर्य वीरता और बलिदान को एक शब्द में लिखना था। लोग किताब ढूंढते रह गए और हमने छत्रपति शिवाजी महाराज लिख दिया। जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी वो भारतीय राजा जिसने मुगल साम्राज्य हिला कर रख दिया। दोस्तों हमारे देश भारत के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट हीरोज, और वो इसलिए क्योंकि भारत की इस धरती पर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान और सच्चे हीरोज का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए न सिर्फ अपनी जान गंवा दी बल्कि हर भारतीय के अंदर आजादी की ज्वाला भी जलाई। खैर इस तथ्य को सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप में से कोई ये जानता है कि खुद सुभाष चंद्र बोस को आजादी यानी स्वराज की प्रेरणा किससे मिली? दोस्तों वो है वीर मराठा शिवाजी महाराज, एक ऐसा राजा योद्धा और धरती पुत्र जिसने अपना सारा जीवन अपने देश को उसके दुश्मनों से बचाने में लगा दिया। कभी मुगल, कभी पुर्तगाली तो कभी अंग्रेज, शिवाजी ने एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को न सिर्फ अपने इलाके से खदेड़ा बल्कि उन्हें देश से बाहर कैसे भगाया जाए दूसरे राजाओं को ये रणनीति भी सिखाई। आज से करीब 500 साल पहले जब समूचे भारत पर मुगल हुकूमत का राज था, साल 1630 में शिवाजी का जन्म राजमाता जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर में हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले डेक्कन सुल्तान की फौज में एक जाबाज सिपाही थे और सेनापति के पद पर कार्यरत थे। वैसे आप दोस्तों कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों ये वो समय था जब समूचे भारत पर मुगलों का शासन था, लेकिन उस शासन को चलाने का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। शाहजी भोसले उन्हीं भारतीय सिपाहियों में से एक थे और सुल्तान के सबसे करीबी भी। यहाँ तक कहा जाता है कि डेक्कन सुल्तान को अपने बाद अगर किसी पर भरोसा था तो वो थे शाहजी भोसले। और जब शिवाजी का जन्म हुआ तो सभी को ये लगा कि शिवाजी भी अपने पिता की तरह सेनापति की गद्दी पर कार्यरत होकर मुगलों की नौकरी करेंगे। जय शिवाजी। जय भवानी। जय भवानी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, बल्कि यूं कहिए कि शिवाजी को अपनी किस्मत का फैसला खुद ही करना था। तभी तो सिर्फ 16 साल के उम्र में ही शिवाजी ने अपनी बुद्धि और बल के दम पर मुगलों की नौकरी ना करते हुए खुद अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसे आज मराठा साम्राज्य कहा जाता है। शिवाजी बचपन से ही तेज तर्रार थे, इनके अंदर बल तो था ही और बुद्धि उससे कहीं ज्यादा थी। इसका इस्तेमाल करके शिवाजी ने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े हिंदू राजा नहीं कर सके। जिस मुगलिया सल्तनत के आगे कोई हिंदू राजा सर उठाने की हिम्मत नहीं करता, शिवाजी ने बड़ी ही चालाकी से खुद अपना ही साम्राज्य खड़ा कर दिया। ऐसा करने के लिए शिवाजी ने स्थानीय किसानों को जोड़ना शुरू किया। ये वो किसान भाई थे जो जंगलों में जाकर अपना जीवन यापन करने का बंदोबस्त किया करते थे, जिनके पास न अपनी जमीन थी और न ही घर, या फिर वो लोग जो बंजर जमीन के मालिक होते। अब क्योंकि ऐसे लोग मुगल साम्राज्य के किसी काम के नहीं होते, इसका फायदा शिवाजी को मिला और इन सभी लोगों को जोड़कर शिवाजी ने अपनी सेना तैयार की। यही नहीं, शिवाजी ने सेना के ठिकाने के लिए तोरणा, चक्कन और कुंदन जैसे खाली पड़े किलों को भी अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि शिवाजी ये भली भांति जानते थे कि किसी साम्राज्य की स्थापना में किलों का कितना महत्व होता है। इस तरह एक के बाद एक कई और किलों पर कब्जा जमाते हुए शिवाजी ने अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। इसी बीच वो समय आ गया जब मुगल राजा आदिल शाह को इस बात की भनक लग गई कि उसकी सल्तनत को ललकारने के लिए एक मराठा फौज तैयार हो चुकी है जिसकी कमान शिवाजी के हाथों में है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शिवाजी ने अपने साम्राज्य की नींव जिस आधार पर रखी थी उसके तहत शिवाजी कभी भी मुगलों के हाथ नहीं लगने वाले थे। जंगलों में छुपकर गुरिल्ला वार करना और फिर जंगलों में छुपकर बैठना, ये शिवाजी और उनकी फौज की खासियत थी, जिसके चलते अब शिवाजी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। आदिल शाह ने उनके पिता को बंदी बना लिया ताकि शिवाजी पिता के डर से अपने घुटने टेक दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवाजी ने मुगलों पर हमले तो रोक दिए, लेकिन आत्मसमर्पण फिर भी नहीं किया, बल्कि 7 वर्षों तक अपनी सेना को मजबूत करने और उनके लिए किलों पर कब्जे जमाते रहे। ये बात जब बीजापुर की रियासत तक पहुंची तो रानी बड़ी साहिबा ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने का हुक्म दिया। अफजल खान की फौज ने महीनों तक कोशिश की, लेकिन शिवाजी उनके हाथ नहीं लगे, बल्कि एक एक करके अफजल खान की सेना के सिपाही कम होते चले गए, क्योंकि शिवाजी जंगलों से घिरे प्रतापगढ़ किले में छुप कर रहते और वहीं से गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से अफजल खान की सेना पर आक्रमण करते रहते। इससे तंग आकर अंततः अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने का षड्यंत्र रचा। उसने शिवाजी को बिना हथियार मिलने का न्योता भेजा और कहा कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन शिवाजी जानते थे कि अफजल कोई चाल चलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
जैसे ही अफजल शिवाजी से गले मिला, उसने धोखे से शिवाजी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही शिवाजी ने एक धारदार कटार अपनी कलाई से बाहर निकाला और अफजल के पेट को चीर दिया, जिसके चलते अफजल की मौके पर ही मौत हो गई। ये देख अफजल की सेना ने शिवाजी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक इसी तरह 1659 में भी रुस्तम समान और उसकी सेना ने शिवाजी पर आक्रमण किया, लेकिन गोरिल्ला वॉर रणनीति के चलते उसे भी शिवाजी के हाथों मुंह की खानी पड़ी और रुस्तम जमान जंग के मैदान से अपनी जान बचा के भाग गया। आदिल शाह बार बार अपना सेनापति भेजता और वो सभी शिवाजी के आगे घुटने टेक देते। इसी कड़ी में आदिल शाह ने अपने एक और काबिल और खूंखार सिपाही सिद्धि जौहर को भी शिवाजी पर हमले के लिए भेजा। जौहर ने बड़ी ही चालाकी से शिवाजी को उनके किले के चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, शिवाजी ने जौहर को बातचीत के लिए बुलवा लिया और इस बात की खबर आदिल शाह को भिजवा दी कि जौहर उनसे गद्दारी करने जा रहा है। ये बात सुनकर आदिल शाह और उनके करीबी सेनापति सिद्धि जौहर में फूट पड़ गए, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी ने उन पर हमला बोल दिया। इस तरह बार बार मुंह की खाने के बाद बीजापुर रियासत ने ये खबर आगरा में बैठे मुगल शासक औरंगजेब तक पहुँचा दी कि एक मराठा योद्धा शिवाजी उनके साम्राज्य को तबाह करने में लगा है और उसे काबू में कर पाना अब उनके बस की बात नहीं। औरंगजेब को बीजापुर की महारानी का डर साफ समझ में आ रहा था और ये भी समझ आ रहा था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो डेक्कन भारत से मुगलिया हुकूमत का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए शिवाजी से निपटने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ तुरंत ही रवाना किया। शाइस्ता खान ने पूरे किले और खुद शिवाजी के घर लाल महल पर कब्जा जमा लिया ताकि वो शिवाजी को ललकार सके, लेकिन शिवाजी ने भी शाइस्ता खान के बल के आगे अपनी बुद्धि का बखूबी इस्तेमाल किया और भेस बदल कर अपने 500 सिपाहियों के साथ शाइस्ता खान के डेरे में जा घुसे और रात के अंधेरे पर उस पर हमला कर दिया। अचानक हमला होने से शाइस्ता खान सब कुछ छोड़कर जान बचाकर भाग गया, जिसमें उसकी गर्दन ना सही लेकिन उसकी उंगलियां शिवाजी की तलवार का शिकार हो गए। हालांकि शाइस्ता खान की जान तो बच गई, लेकिन एक ही झटके में 1.5 लाख की फौज को आत्मसमर्पण कर शिवाजी के आगे घुटने टेकने पड़े। शिवाजी की इसी बहादुरी ने सभी हिंदू राजाओं के बीच उनके कद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सभी राजा अब उन पर भरोसा करने लगे और स्वराज की लड़ाई में उन्हें अपना नेतृत्व भी सौंपने को तैयार हो गए। वहीं दूसरी ओर शिवाजी की बढ़ती लोकप्रियता से औरंगजेब का पारा और भी ज्यादा चढ़ने लगा, क्योंकि ये पहली बार था जब मुगलिया शासन को किसी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पराजित किया था। वहीं एक के बाद एक युद्ध जीतने के चलते मराठा सैनिक जोश और आत्मविश्वास से भरते ही जा रहे थे। साल 1964 आते आते शिवाजी ने मुगलिया शासन को कई और भी गहरे घाव दे दिए। ये देखकर भारत के सबसे मजबूत राजा औरंगजेब से रहा नहीं गया। शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने इस बार अपने सबसे मजबूत और भरोसेमंद सेनापति जयसिंह को चुना और शिवाजी को पराजित करने की कमान सौंपी। जयसिंह वो सेना नायक था जिसकी भुजाओं में शेर से ज्यादा ताकत थी और दिमाग चीते की रफ्तार से चलता था। ऊपर से 1.5 लाख सिपाहियों की फौज, इस बार शिवाजी की चपलता और बुद्धिमता जयसिंह के आगे ना चल सकी और दुर्भाग्य से शिवाजी युद्ध हार गए। उन्हें अपने 23 किले और करीब 4 लाख मुद्राएं हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। यही नहीं, उन्हें अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ आगरा भी जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रण में रखने के लिए आगरा के दरबार में कोई पद देने की बात उठी तो औरंगजेब ने इस फैसले को बदल दिया और शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दिया, क्योंकि औरंगजेब को शिवाजी की बुद्धि का भली भांति ज्ञान था। हालांकि शिवाजी यहां पर नहीं रुके बल्कि अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर एक दिन अपने बेटे के साथ औरंगजेब की कैद से निकलने में कामयाब रहे और आगरा से भागकर वापस रायगढ़ आ गए, जहां पहुंचते ही उन्होंने एक बार फिर से स्वराज का बिगुल बजा दिया और सिर्फ 4 महीने के अंदर ही अपने राज्य का बड़ा हिस्सा फिर एक बार मुगलों से आजाद करा लिया। इधर औरंगजेब बार बार शिवाजी को अपने अधीन करने का प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार औरंगजेब को केवल हार का सामना करना पड़ा और इस तरह आखिरकार वो दिन आ गया जब बीजापुर की गद्दी से मुगलिया हुकूमत का अंत हो गया और शिवाजी द्वारा बनाए गए मराठा साम्राज्य का सूर्योदय हो गया, जब पहली बार बीजापुर की गद्दी पर शिवाजी को एक शासक के रूप में बैठने का मौका मिला। दोस्तों, शिवाजी केवल एक बुद्धिमान और कुशल लड़ाके नहीं थे बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी थे, जो कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। उनके सबसे करीबी लोगों में से ऐसे सिपाही थे जो मुसलमान थे, जो ये साबित करता है कि शिवाजी ने मुगलों से युद्ध किया, मुसलमान से नहीं। नारी का सम्मान शिवाजी के लिए सर्वोपरि था, खासकर युद्ध में हारे हुए सैनिकों की औरतें और उनके बच्चे, जिनको शिवाजी सम्मान सहित वापस भेज दिया करते।
गोरिल्ला युद्ध, किलों का इस्तेमाल और नौसेना का निर्माण, इन सभी चीजों का आविष्कार शिवाजी ने ही किया। कहा जाता है कि शिवाजी ने साल 1946 में जब मराठा साम्राज्य की नींव रखी तब उनके पास 4 किले और 2000 सिपाही थे, जो साल 1680 आते आते 300 किलो और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की संख्या में बदल गया। लेकिन यही वो मनहूस साल था जिसने मराठा साम्राज्य से उसके जनक को छीन लिया। इसी साल 52 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य खराब होने के चलते शिवाजी की मृत्यु हो गई। लेकिन शिवाजी के स्वर्गवास के बाद भी मराठा साम्राज्य की नींव नहीं हिली, बल्कि शिवाजी से शिक्षित उनके बेटे संभाजी ने मराठा साम्राज्य का और भी ज्यादा विस्तार किया। संभाजी के बाद इसे राजा राम ने संभाला और अपने राज्य को पाकिस्तान तक फैला दिया। हालांकि शिवाजी के बाद भी औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को झुकाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो अपने जीवन के आखिरी समय तक ये करने में नाकाम रहा और करीब 20 वर्षों की औरंगजेब बनाम मराठा की जंग औरंगजेब की मृत्यु के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि महाराज शिवाजी की गौरव गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।